अलमदद फाउंडेशन की जानिब से गुलबर्गा कमर कॉलोनी में 25, 26 और 27 जुलाई को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम्स फ्री कैंप रखा गया था, जिसमें कुल 1200 से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट किए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम बीपीएल कार्ड होल्डर महिलाओं के लिए निकाली गई है, जिसमें गैस सिलेंडर, स्टोव, रेगुलेटर फ्री दिया जा रहा है। अलमदद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब असगर हुसैन ने फ्री कैंप के जरिए 1200 से ज़्यादा महिलाओं के एप्लीकेशन सबमिट किए हैं। आने वाले 30 दिनों के दरमियान इन महिलाओं तक LPG गैस सिलेंडर, स्टोव, रेगुलेटर पहुंचाया जाएगा। अक्सर आवाम जिनको वोट कर MLA और एरिया कॉरपोरेटर बनाती है, वो लोग जीतने के बाद कभी आवाम के दरमियान नज़र नहीं आते। असगर हुसैन और इन जैसे दीगर सोशल एक्टिविस्ट हर आए दिन गवर्नमेंट स्कीम के फ़ायदे गरीब ज़रूरतमंद आवाम तक पहुँचा रहे हैं। अलमदद फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर LPG गैस का कैंप रखा गया था, जिसमें 1000 से 1200 तक 1200 एप्लीकेशन सबमिट किए गए हैं। इससे पहले भी हमने एक कैंप रखा था LPG गैस का ही, उसमें हम 500 तक लोगों के एप्लीकेशन सबमिट करे थे, लेकिन उसमें 450 तक लोगों 450 एप्लीकेशन को सक्सेसफुली करके लोगों को अपने घरों तक गैस पहुँचाने की कोशिश थी और वो कंप्लीट भी हो गई, लोगों को उनके घरों तक गैस मिल गए है। इस बार भी इंशाल्लाह जितने भी एप्लीकेशन आ रहे हैं सबको गैस पहुंचाने की कोशिश है, और ये कोशिश सिर्फ अलमदद फाउंडेशन के टीम की तरफ से ही सक्सेसफुल हो गई है। हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनका हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से ही ये काम पूरा सक्सेसफुली हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। अलमदद फाउंडेशन की जानिब से जो 25, 26, 27 तारीख को जो कैंप रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कैंप सक्सेस हुआ है। 1000 से 1200 डॉक्यूमेंट न्यू एप्लीकेशन जो LPG गैस के यहाँ पर हमारे पास सबमिट हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर गैस दिलाने का काम करेंगे। और मदद फाउंडेशन हर मामले में आगे बढ़ चढ़ कर काम करती है, तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही काम करेंगे। तो पिछले दिनों में हम जो कैंप किया था LPG गैस का, उसमें भी 530 डॉक्यूमेंट में 450 लोगों को उनके घर तक गैस पहुंचाने का काम करे थे, तो इंशाल्लाह इस बार भी हम काम करेंगे। तो अलमदद फाउंडेशन के जो तमाम टीम है, मैं वो लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इन्होंने बढ़ चढ़ कर अलमदद फाउंडेशन का साथ दिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा बनकर काम किया इन्होंने। मैं ये लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 15, 16, 17 अगस्त को और एक हमारी स्कीम नई चालू होने वाली है, तो आपके मीडिया के जरिए से मैं वो भी बताना चाहता हूँ, और तमाम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर मीडिया नहीं होती, हमारा मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँचता वो लोगों तक, आप लोगों का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी जो भी स्कीम आएंगी आपके मीडिया के जरिए से इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा।